हमारे घर पे कुछ है नहीं, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, उसको मतलब बाहर चलाने नहीं दिया जा रहा है हमारे घर पे। क्या आश्वासन दिए आपको, क्या करना चाहेंगे? यही बोले हैं कि न्याय होगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने उनसे कोई अपनी बात रखी है, उनसे मांग रखी है कोई बात? हाँ, यही किसी ब्याई जांच हो हमारे, जहाँ हत्या हुई है उस जगह पे। क्या कहे हैं? बोले हाँ न्याय होगा आप लोगों के साथ, और भविष्य में जो भी खर्चा है पढ़ाई लिखाई का, वो सारा जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आर्थिक सहयोग भी कोई की नहीं? आपके परिवार की तरफ से क्या विशेष मांग? न्याय, बस हमें न्याय चाहिए। सीबीआई जांच की मांग को आप लोगों ने उनके सामने रखा या उन्होंने पहले से ही बोला कि हमने रखा? आपने रखा है। ये बुलडोजर की बात पे भी बात हुई, घर तोड़ने की बात को, घर तोड़ने की जो बात हो रही थी उसको लेके आप लोगों ने बताया? ये सब कुछ नहीं कहा, बस हमें न्याय चाहिए। प्रशासन जो लगातार जो है, जैसे आपके घर पे नोटिस भी चपका हुआ था और वो सारी बातें हुई थी, तो वो अखिलेश जी के संज्ञान में है, तो अखिलेश जी ने उस पर कुछ बताया, उस पर आपको कोई आश्वासन दिया? उन्हें हर चीज पता है, सब देख रहा है वो। पुलिस प्रशासन यहाँ इतना हम लोगों पे दबाव रख रही है, ये हमारे घर पे कुछ है नहीं, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, उसको मतलब बाहर चलाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे घर पे आज इतने लोग आए हैं, हम लोग उन्हें पानी तक नहीं मंगा पाए उनके लिए। मतलब पानी कौन रोक रहा था पानी लाने से? पुलिस प्रशासन रोकी है ना, घर से बाहर नहीं जाने दे रही है, हर जगह लगाई हुई है डिवाइडर, कहीं जाना नहीं है, ना किसी को आने दे रही है। पानी तो पानी कैसे, पानी भी नहीं लाने दे रहे हैं? नहीं, जितने लोग भी आए वो हैंडपंप का पानी पी के गए। तो क्या आप कहना चाहेंगे? बस न्याय हो। और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग है, उनके नाम डलवाते हैं। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहां भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है, क्या मैं, क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो, ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो, क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नियत? मासूम बच्चों की जो हत्या हुई, उस पर क्या कहना? वो घटना भी नहीं भूलेंगे। अरे यार, कि जहाँ पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी, आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंतोगत उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो? इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें। और भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं।